हैं इतना महंगाई बढ़ गया है, लेकिन भाजपा नहीं देख रही है कुछ? देखिए भाजपा देखिए कहां से, भाजपा का काम था सरकार में आना, महंगाई के खिलाफ बोल के, राम मंदिर के बारे में बोल के सत्ता में किसी तरह आना था। और यही भाजपा की स्मृति ईरानी है ना, जिस समय कांग्रेस की सरकार था 69 रुपए पेट्रोल था, 50 रुपए 55 रुपए डीजल था, 750 का गैस था। उस समय ये लोग माथा पर गैस सिलेंडर लेकर सड़कों में बैठते थे। लेकिन आज यही भाजपा का देख लीजिए दुर्गति, 1150 रुपए गैस सिलेंडर हो गया, 120 रुपए पेट्रोल हो गया, 90 के लगभग डीजल पहुंच गया। लेकिन ये भाजपा सदन में द्रौपदी मुर्मू के बयान पे स्मृति ईरानी चिल्ला रही है, लेकिन इनको बोलने में शर्म आ रहा है। यही नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कांग्रेस की सरकार के समय में कि महंगाई के मां बोलने में भी मनमोहन सिंह शर्माते हैं। अब मोदी जी तो महंगाई बोलने भी शर्मा रहे हैं भाई, आपको तो महंगाई भी बोलना चाहिए ना। ये भाजपा एक ड्रामेबाज पार्टी है और ये सरकार भारत सरकार जयंत सिन्हा जो है महंगाई खोज रहे हैं। अरे तो महंगाई सदन अखबार में मिलता है जी, महंगाई न मिलेगा, महंगाई न मिलेगा सदन और अखबारों में। अब महंगाई खोजना है तो झोला लेके आइए बाजारों में। अरे महंगाई तो बाजार में न है, ये बात कर रहे थे बैगन की, ये बात कर रहे थे भिंडी की कि 2014 में यही दाम था जो आज भी है। पहले एक मगनिया शब्द चलता था, सब्जी लेते थे तो मगनिया में मिर्चाई मिलता था, दुकान में आलू लेते थे तो मगनिया में कोई चॉकलेट मिलता था। आज मगनिया का शब्द खत्म हो गया, मिर्चाई भी पैसा से मिलता है। 80 रुपए लोग टमाटर खाते हैं, 100 रुपए लोग प्याज खाते हैं, 40 रुपए लोग बैगन खाते हैं जो 10 रुपए खाते थे। अरे जयंत सिन्हा को कहां पता चलेगा महंगाई, इनको तो सरकार 2 लाख 2.5 लाख पेंशन देता है, मोबाइल रिचार्ज का सरकार खर्च उठाती है, पेट्रोल डीजल की सरकार खर्च उठाती है, इनको तो सब है। इनका जो है नौकर सब सामान लाता ले जाता है, सरकार का पैसा खाते हैं, इनको कहां पता चलेगा। ये बात करें तो फ्री गेहूं और चावल की शर्म नहीं आती है क्या? वही गेहूं चावल जो गरीब जनता को फ्री मिलता है, क्या जयंत सिन्हा हुए गेहूं चावल खाएंगे? घुन लगा हुआ गेहूं, पिल्लू वाला चावल 3 रुपये मिलता है, उसमें भी घोटाला होता है। जो किसान 20 रुपये में अपना धान बेचते हैं वो अपना साइकिल का पंचर नहीं बना पाते हैं, और ये डीलर जो है फॉर्चूनर मेंटेन करके चलता है, स्कॉर्पियो मेंटेन करके चलता है, कम से कम मोटरसाइकिल तो जरूर मेंटेन करके चलता है। तो आखिर घोटाला कहां से हो रहा है भाई जी, बताइए ना। और जब ये गरीब का दिया हुआ चावल गेहूं अच्छा है तो ये क्यों नहीं सब सांसदों को विधायकों को दिया जाता कि आप यही गेहूं चावल खाइए? तो घुन लगा गेहूं खाएगा जनता, पिल्लू वाला चावल खाएगा जनता, और ये लोग मलाई मारेंगे, इंडिया गेट का चावल खाएंगे। सरकार के खिलाफ बोलने पर देशद्रोही कहा जाता है। अब देशभक्त देशद्रोही का सर्टिफिकेट ये भाजपा बांट रही है तो इससे संसार क्या बात, लोकतंत्र के बाज को दबाया जा रहा है। आप महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उठेंगे आप पर एफआईआर कर दिया जाएगा। मैं देशभक्त हूं, मोदी जी देशभक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप देश के तमाम गरीब लोग सड़कों पे आ गया है, भुखमरी के कगार पे है, मेरा देश भुखमरी पे है। और सरकार श्रीलंका को सपोर्ट करे, श्रीलंका को मदद कर रहा है, और बिहार जैसे गरीब राज्य में बताइए कि महंगाई का क्या असर होता होगा मिडिल फैमिली के ऊपर। जिस बिहार में 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार में 8 करोड़ का आबादी ऐसा है कि दिन भर का 100 रुपया भी नहीं कमाता है, गरीबी यहां पता चलता है। गरीब गुजरात वाले को थोड़े पता चलेगा क्योंकि वहां के लोग तो रोजगार से भरपूर हैं। जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ नालंदा के लिए है, उसी प्रकार केंद्र का प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के लिए। देखिए इनको सत्ता भोगी लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं। अब सत्ता पे बैठने के लिए इनको गरीब जनता नहीं बुझाएगा। जब चुनाव आएगा 2024 और 2025 के, जब चुनाव आएगा तो इसका मुख्य मुद्दा विकास रहेगा, इसका मुख्य मुद्दा बेरोजगारी रहेगा, इसका मुख्य मुद्दा महंगाई रहेगा। लेकिन जब चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएगा वो सारा बातें भूल जाएंगे, सारा बात जुमला हो जाएगा। 15 लाख रुपए खाता में आएंगे वो भी जुमला हो गया, 12,000 रुपया दिया जाएगा बाथरूम बनाने के लिए वो भी जुमला हो गया, आधा लोग को नहीं मिला। तो ये सारे लोग मिलजुल कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही गलती है, इसमें मिली जुली भक्त है। और डबल इंजन की सरकार ने बिहार के जनता को सड़क पिला दिया है, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, आया जनता भीख मांगती है। उपाय क्या है? उपाय है सरकार बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। देश बदल गया है, राज बदल गया है, युवाओं का सोच बदला है। अब ये पुराने जोग वाले लोग अभी भी सत्ता में बैठे, इनके सत्ता भी हटनी चाहिए, सत्ता का जो नशा इन लोगों का है, सत्ता बदलनी चाहिए, युवाओं के हाथ में बागडोर होना चाहिए, बिहार का विकास होगा। विपक्ष को दबाया जा रहा है, विपक्ष नहीं, विपक्ष अपने खुद दबा हुआ है। विपक्ष को तो मुद्दा सिर्फ नीतीश कुमार जीवन में किसको क्या बोले, इन लोगों को तो यही याद आता है। सदन में आप इन लोगों ने कभी महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इन लोगों ने बिहार के वित्तीय शिक्षा स्तर का आवाज नहीं उठाया। बिहार तो तर शर्मसार हो जाता है कि जब इस बिहार में मुख्यमंत्री जी 17 वर्षों में एक भी ऐसा हॉस्पिटल डेवलप नहीं कर पाए, करवाए जिनसे इनको विश्वास हो कि अच्छा इलाज होता होगा, इनको खुद आकर इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो तेजस्वी जी को सदन में घिरना चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे, इन लोग तो घिरते नहीं है, इन लोग तो पारिवारिक बयानबाजी में फंसे हुए हैं। तो विपक्ष को कोई दबाता नहीं है, विपक्ष खुद दबता है।
छपरा में जो है जहरीली शराब से फिर मौत हुई है, क्या मानते हैं बिहार में शराबबंदी है तो फिर मौत कैसे हो रही है? जब बिहार में शराबबंदी है तो प्रतिदिन पेपर में कहां से छपता है भाई कि बिहार में शराब पकड़ा गया? जब बिहार में शराबबंदी है तो कैसे जदयू के नेताजी स्टेज में कच्छा पहन के घूमने लगते हैं, स्टेज पर डांस करने लगते हैं? अरे बिहार में बंदी शराब बिल्कुल है लेकिन कागज पे है, और शराबबंदी को सफल बनाना चाहिए। यही सीतारमण जी पूर्व मुख्यमंत्री जो कि ज्ञान बांट रहे थे कि हमारे यहाँ शराबी लोग नहीं आए, शराब हराम है, अब यही लोग कह रहे हैं कि शराब पीना चाहिए। तो जो लोग के अपने बातों का ही ठिकाना नहीं है उन पे क्या विश्वास किया जाए? बिहार में दहेज भी बंद है लेकिन कागज भी बंद है। आप देख ही रहे हो कि कितने लोगों को दहेज के कारण हत्या हुआ, विक्रम एक लड़की की हुई ना जी हत्या दहेज कारण। तो ऐसे तमाम चीज है जो कागज पे बंद है, जमीन स्तर पर उसका जीरो लेवल है। भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को आप किस रूप में देखते हैं? भाजपा जदयू की एक ही इच्छा, बिहार की जनता मांगे भिक्षा, बस इतने हम देखते हैं।